हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज कॉमन एरर, आपका एग्जाम नजदीक आ गया है ना, सीपीओ का, एसएससी का, बहुत सारे एग्जाम आ गए हैं, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, तो बहुत सारे एग्जाम आ गए हैं। तो कॉमन एरर के मैं वो मेथड दे रहा हूँ जो सबसे आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। किसी भी कॉमन एरर को ईजी वे में कैसे सॉल्व करें वो मैं आपको मेथड दे रहा हूं। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक कर। आज बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, मात्र दो ही नहीं, कई क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन देखेंगे और आपको सबसे आसान मेथड दूंगा जिसके आधार पे आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, कॉमन एरर कैसे सॉल्व करें उसको करके देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, सूनर हैड ही कम हिज कलीग्स ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर, नो एरर। अब यहां पे क्वेश्चन दिया, हम लोगों की बुरी आदत पता क्या है, तुरंत हिंदी निकालते हैं कि सुनर हेड क्या कह रहा है, ये हिज कलिक्स क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज क्या कह रहा है, तो हम इसे बेचैन रहते हैं। तो हिंदी बिल्कुल नहीं निकालना, जब भी चलो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट, अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो कभी भी ऐसे एरर्स आसानी से बन जाएगा, चुटकियों बन जाएगा। कैसे सर? तो अब सबसे पहले क्या लिखा, जैसे ही सुनर हेड मिला मुझे दिमाग क्लिक किया कि भाई वो कॉन्सेप्ट क्या था, तो हमने कॉन्सेप्ट किया कि सुनर तो कोई वर्ड है ही नहीं, वर्ड होता है नो सुनर, नो सुनर वर्ड होता है। तो गलती समझ में आ गया कि भाई गलती ए पार्ट में है, ए पार्ट कर दें, बी पार्ट कर दें, सी पार्ट और डी पार्ट में नो एरर, तो अब गलती दिख गया कि नो सुनर होगा। लेकिन पूरा पढ़ देखते हैं कि नो सुनर के बाद क्या क्या आ सकता है। नो सुनर के बाद डिड और हैड कुछ भी आ सकता है। नो सुनर एक पास्ट डिनोटिंग वर्ड है, नो सुनर एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। इसके साथ नो या नॉट का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, इसके साथ डीड या हैड लगाएंगे, तो नो सुनर डीड या हैड। इसके साथ मैं बात करूं, डीड आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसके साथ तुम अदर वर्ड लगाओ लेकिन टी एच ए एन देन का प्रयोग करना होगा, यानी याद करेंगे नो सुनर हैड सब्जेक्ट देन। अब यहां ध्यान दीजिए, नो सुनर हैड, तो नो सुनर हैड तो दे दिया, बिल्कुल हैड सही है। कम तुम्हारा वी3 दे दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन आगे क्या आना चाहिए था, देन, यानी यहां पे देन का प्रयोग होना चाहिए था। इस तरह से एग्जाम में कई एरर पूछे जाते हैं, तो आपने क्या सीखा, नो सुनर हैड देन का प्रयोग, तो यहां पे टी एच एन देन चाहिए था। अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे बनेगा, आपको देखना है कि नो सुनर के बाद क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, बहुत अच्छा। इसको आप खाते हुए, लंच करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए इसको डेली पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज, नो एरर। अब यहां पर हम देखते हैं सेंटेंस को, तो हमने कहा कैन यू इमेजिन दैट, तो कैन यू इमेजिन, यहां तो कोई गलती नहीं है, दैट, दैट से दो क्लॉज जुड़ रहा है, यहां पे कोई गलती नहीं है, यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं। शी हैज 35, तो 35, अब 35 हो गया प्लूरल, तो 35 मतलब 35, तो 35 पेयर होगा कि पेयर्स होगा, पेयर्स ना, तो 35 पेयर्स, यानी कि यहां पे पेयर्स ऑफ शू चाहिए। हम लोग ए लगाते हैं तब होता है अ पेयर ऑफ शूज, तो यहां पे एक पेयर की बात कर रहा है, तब यहां पे हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां कितने पेयर है, 35, तो 35 पेयर की पेयर्स, तो पेयर गलत होगा और पेयर्स सही होगा। हमने कहा सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टूडे बिकॉज सी इज इल, सो सी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल, नो एरर। ये एक्चुअली आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं, मैं वही क्वेश्चन लिया हूं जो आपके बैंक पीओ, जो आपके एसएससी, जो आपके सीपीओ, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ। तो हमने कहा सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टूडे बिकॉज सी इज इल, सो सी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल। अब इसमें एरर ढूंढना है, तो हम लोग जैसे ही पढ़ा सुनीता इज फीलिंग लिटिल, अब लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में अंतर क्या है, ये वीडियो हमने आपको पिछले वीडियो में दिया होगा कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में क्या अंतर है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि लिटिल का मतलब होता है नगण्य
अब यहां ध्यान दीजिए, सुनीता इज फीलिंग नगण्य अनकंफर्टेबल, तो नगण्य अनकंफर्टेबल हो गया, बिल्कुल अनकंफर्टेबल है ही नहीं, अनकंफर्टेबल अपने आप में नेगेटिव है, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, तो लिटिल मतलब नहीं, अनकंफर्टेबल मतलब नहीं, तो बोलो यहां पे गलत प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, यानी सुनीता को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लग ही रहा होगा, क्योंकि वो बीमार है, उसको परफॉर्म करना है ना किसी काम में, तब थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अब वो थोड़ा सा, यानी कि नगण्य, लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो नॉट नहीं लगता, यहाँ पे अन का मतलब नहीं हो गया। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो आप लॉजिकली पढ़ें, रूल बुल याद मत करें, हर चीज का कंफर्ट होता है, देखते ही बनेगा कॉमन एरर्स, बस आप देखने का थोड़ा नजरिया बदलिए। तो हमने कहा सुनीता इज फीलिंग लिटिल, तो लिटिल नहीं होगा, वहां पे प्रयोग करेंगे आर लिटिल का, क्यों भाई, क्योंकि आर लिटिल का मतलब हो गया थोड़ा, और यह पॉजिटिव वर्ड हो गया, यानी जो सुनीता है वो थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा उसे दुख है, अ लिटिल अनकंफर्टेबल, यानी थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल है, तो इसको सही करने के लिए ए पार्ट में ही गलती हो गया, यानी अ लिटिल करेंगे तो राइट हो जाएगा। अब समझ में आया आंसर आपको? तो जब भी टेक्निकल टर्म मिलता हो, आप कहते हो कि सर नहीं समझ में आता कौन सा आंसर कैसे निकालें, तो वो आप जब पढ़ें, तो जब आपके पास ज्ञान होगा तो कभी गलती नहीं होगा, लिटिल अ लिटिल द लिटिल में अगर अंतर पता होता तो आपसे गलती नहीं होता। अगला कहता है, अगला क्वेश्चन है, माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर, नो एरर। अब यहां ध्यान दीजिए कि हमने कहा कि माधुरी इज, ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और समझने का प्रयास करो। हमने यहां क्वेश्चन दिया कि माधुरी एंड आई, सबसे पहले धारा 231 आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन, कि इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज टूगेदर इन अ सेंटेंस, द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। धारा 231 याद कर लो इसको, क्या कहा, धारा 231, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, यानी यू ही एंड आई। अब मुख्य बिंदु यह है कि इसके बाद पजेसिव क्या होगा, पजेसिव एडिटिव। अब ध्यान देना है, माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क, वर्क यहां पे नाउन है, राइट। अब यहां माई देखा जाए तो पजेसिव है, लेकिन क्या माई यहां पे सही है, माधुरी होती तो यहां पे हम लोग हर करते, आई होता तो माई करते, तो सब्जेक्ट देखो एक और एक दो हुआ कि नहीं हुआ, तो सब्जेक्ट दो है, इसका मतलब यहां पे माई नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो कि जब तुम्हारा सब्जेक्ट यू ही एंड आई हो तो यहां पे आवर का प्रयोग करना, अगर यहां पे यू के साथ आई हो तो भी आवर का प्रयोग करना, अगर ही के साथ आई हो तो भी आवर का प्रयोग करना। क्यों सर, अब यहां पे माधुरी एंड आई हो तो माधुरी कौन सा, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन माधुरी एंड आई फिर भी आवर, क्यों, तो कॉन्सेप्ट कहता है, ट्रिक रखता नहीं है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जहां पे जिस ग्रुप में आई आ जाए, अगर आई अकेला हो तो माई का प्रयोग करना, लेकिन आई के साथ अगर कोई भी पर्सन लगा हो, आई के साथ यदि कोई भी पर्सन लगा हो तो आवर का प्रयोग करना, आई के साथ कोई भी पर्सन लगा हो तो आवर का प्रयोग करना। अब देख रहे हो यहां भी आवर, यहां भी आवर, यहां भी आवर, यहां भी आवर, ये सब जगह आवर क्यों लगाया, क्योंकि सब जगह आई आई का प्रयोग है। 231 है कि नहीं, 231 231 है कि नहीं, तो धारा 231 याद रखना, जब भी नॉर्मल केस हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ये प्रोनाउन चैप्टर का था। यहां तक आप देख लिया आवर क्यों आया, आई की वजह से, आई का हमेशा होता है माई, लेकिन आई जब प्लूरल के साथ हो, एक से अधिक के साथ हो तो आवर का प्रयोग करते हैं, इसलिए माई का प्रयोग ना करके यहां पे हम लोग आवर का प्रयोग करेंगे, आवर वर्क होगा तो आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब जरा इसको देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द स्लैश सिनेमा हॉल देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड स्लैश एंड सेटल्ड द हॉल कंप्लीटली स्लैश नो एरर। अब ए है, बी है, सी है, डी है ना, ए बी सी एंड डी, नो एरर। यहां पर देखो अब क्वेश्चन है, तो हमने एक बात कहा होगा, एक कॉन्सेप्ट याद करो, हमने हार्डली, स्कार्सली और नो सुनर पे यूट्यूब पे वीडियो बहुत बनाया हुआ है, लेकिन आप देखते नहीं हो, सबसे बड़ा बुरी बात,
आप देखते नहीं हो वीडियो को, एक बार देखा तो करो यूट्यूब धर्मेंद्र सकबड़िया से, और पूरा फैलाया तो करो भारत में। हमने कहा हार्डली जैसे ही मिल जाए तो देखो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तुम्हें, इस कॉन्सेप्ट को याद करो, कॉन्सेप्ट आ गया अंग्रेजी आ गया। तो हमने एक वर्ड लिखा हार्डली, हार्डली जैसे ही आएगा हेड आएगा, मिल गया हेड, हेड जैसे ही आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, मिल गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वी3 के बाद हमको चाहिए अदरवर्ड, अदरवर्ड भी मिल गया भाई। अब हमको चाहिए दो चीज, हार्डली के बाद वेन या बिफोर आता है, ऐसा कॉन्सेप्ट याद कर लो, टेंशन फ्री, कोई रूल वूल नहीं। तो हमने कहा हार्डली हैड ही, अब यहां वेन और बिफोर आता है, पढ़ के चेक करते हैं, हार्डली है, हैड है, कम वी3 है, आउट ऑफ द सिनेमा हॉल बिल्कुल अदरवर्ड भी है, देन। अब बोलो देन चाहिए कि वेन चाहिए, एग्जामिनर यही तो करता है, एग्जामिनर करता क्या है, एग्जामिनर फंसा देगा, देन और वेन एक जैसा साउंड है कि नहीं, तो एक जैसा साउंड है, आपको फंसा दिया, उसी साउंड को पकड़ना था, उसी साउंड को लेना था, तो यहां पे वेन होना चाहिए था, तो इस देन को काट करके हम लोग वेन का यूज करेंगे, आंसर मिल गया। अगर आपने एक बार मेरा यूट्यूब चैनल बढ़िया से देखा होता हार्डली का प्रयोग, तो क्या बोलो कभी गलती होता आपसे? अरे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना जल्दी करो, क्योंकि देर मत करो, सारे वीडियो हमने डाला हुआ है, जल्दी से देखो और फटाफट एग्जाम पास करो। बस देख करके हार्डली हैड वी3 अदरवर्ड वेन या बिफोर आता है, तब जाके काम कंप्लीट होता है। मैं आपके लिए रात दिन एक कर रहा हूं और आप ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई पर, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, कॉपी कलम निकालो, पढ़ना शुरू कर दो, खाना खा रहे हो, लंच कर रहे हो, जिसमें हो बस देखो, देखते देखते पढ़ जा लो, हो जाएगा। बोलो ये बना कि नहीं बना, ये यूपीएससी में पूछे, चाहे आईएएस में पूछे, चाहे बैंक पीओ में पूछे, चाहे एसएससी में पूछे, चाहे सिटीजन से पूछे, सब बनेगा। अभी सीपीओ आपका स्पेशल है, देख लो फटाफट, आपके लिए इतना टाइम दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, द डेकोरेशन ऑन द वॉल वेयर अ हॉर्स पेंटिंग नो एरर। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अब जब भी आपको प्रीपोजिशन मिल जाए बोलो ऑन प्रीपोजिशन है कि नहीं, तो प्रीपोजिशन से पहले वाला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है और वही काम करता है सब्जेक्ट का, और इसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। तो देखो जरा यहां पे वर्ब वर लगाया है, आखिर कोई वर्ब वर आया है, वाज आया है, तो ढूंढोगे ना कि सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट है तो वर्ब कहां, वर्ब है तो सब्जेक्ट कहां, ढूंढोगे ना मेरे बच्चे। तो देखो यहां पे वर आया है, तो आखिर वर प्लूरल है कि नहीं, आप ही बताओ, आप ही बोलो ये वर प्लूरल है कि नहीं, हाँ सर है, तो वर्ब प्लूरल है, तो इसका सब्जेक्ट प्लूरल कहां से लाओगे बाबू, तो इसका सब्जेक्ट प्लूरल नहीं ना है, तो जब सब्जेक्ट डेकोरेशन है जो कि सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा सिंगुलर, तो बोलो वर्ब क्या चाहिए सिंगुलर, तो वाज चाहिए था ना। तो ऐसे जब पकड़ोगे प्रीपोजिशन हर हमेशा, मैं एक दो क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, पूरा 10-12 क्वेश्चन दे रहा हूं, ताकि आपको आर्ट पता चले कि आखिर क्वेश्चन दिखते कैसे हैं, पकड़ते कैसे हैं। तो डेकोरेशन इज अ राइट सब्जेक्ट, तो यहां पे कहां चाहिए वाज, समझ में आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमने यहां 7 और 8 लिया। अब आपने देखा मैं यहां बार बार इतने नंबर क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, आपको मैं टाइम क्यों दे रहा हूं, इसलिए ना कि आप एकदम सीख जाओ, आपके पास वो जोश आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने का, आर्ट आ जाए। अब यहां मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली, क्वेश्चन पढ़ा नहीं दिमाग काम कर रहा, तो आएंगे कॉन्सेप्ट पर कि आखिर वो जड़ कहां है जो नहीं बनता, नहीं समझ में आता, तो क्यों ना धज्जियां उड़ा दें उसको। अब यहां मेनी के बाद नाउन होता है प्लूरल, प्लस वर्ब भी होता है प्लूरल, भाई मेनी है तो यहां पर मैन दिया है, इसका मतलब कुछ और भी कॉन्सेप्ट होता होगा, यानी मेनी के बाद यदि ए लग जाए, यानी मेनी प्लस ए, तो नाउन होता है सिंगुलर, प्लस वर्ब भी होता है सिंगुलर। अब ऐसा कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लोगे, ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आ जाएगा, तो आप ही बताओ बच्चे कभी गलती होगा क्या, कभी हो गलती, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बताओ मेनी नाउन, मेनी बॉयज आर, मेनी मैन, तो मेनी मैन नहीं, मेनी मेन आर हो जाएगा, मेनी पीपल आर हो जाएगा, तो मेनी आ, यहां पे क्या आया है ए आया है, तो मेनी ए मैन, मेनी ए मैन, तो बताओ बच्चे वर्ब सिंगुलर की प्लूरल, बोलो हैव होगा कि हैज होगा, हैज ना, तो बोलो यहां पे हैज सही हुआ कि नहीं हुआ, हैव गलत हुआ कि नहीं हुआ। एक बार अगर बढ़िया से कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सोल्व आर्ट सिखा रहा हूं,
एक दो क्वेश्चन नहीं, हजारों क्वेश्चन दूंगा, आप बस आठ सीख लो, आप चुटकियों में सॉल्व करोगे क्वेश्चन, इधर चुटकियों में सॉल्व करोगे, बस आठ बताओ किसका, कॉन्सेप्ट का। तो बोलो मेनी के बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल, वर्ब क्या होगा, प्लूरल, लेकिन मेनी के साथ ए लगा दो तो नाउन सिंगुलर, वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। कॉन्सेप्ट याद हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, यहां पर देखो, यहां पर श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री इन टू द इंडियन ओशियन साउथ ऑफ इंडिया नोएरर। अब यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री, यहां तक गलती नहीं है, श्रीलंका है, एन लगा आइलैंड से पहले उस कंट्री है, कोई गलती नहीं। अब इन टू द इंडियन ओशियन, अब इन टू और इन में क्या अंतर है इसको समझिए, इन और इन टू, देखो इन का प्रयोग करते हैं प्लेस के लिए और इनटू का प्रयोग करते हैं मोशन, गति के लिए। जैसे फ्रॉग जंप्ड इनटू द बेल, द टी पोर इनटू द कप, टी पोर इनटू द कप, यानी चाय को कप में उड़ेलो, है ना, कम इनटू माय हाउस, तो इनटू का मतलब भी प्लेस होता है लेकिन गति के साथ। अब बताओ कि श्रीलंका इन आइलैंड कंट्री, इनटू होगा या इन का प्रयोग होगा, इनटू और इन, इन का प्रयोग करते हैं प्लेस में जो कि मोशन लेस होता है, स्थिर होता है, हिंदी होता है में अंदर, इसका भी हिंदी होता है में अंदर। अंतर क्या दोनों में, इन का प्रयोग प्लेस में स्थिर है, जैसे वी आर प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड मतलब बाउंड्री के अंदर स्थिर है, बाउंड्री मतलब वो फील्ड क्या स्थिर है। इनटू का प्रयोग तब करना जब गति के साथ हो, मोशन के साथ हो, तो श्रीलंका आइलैंड कंट्री इनटू द इंडियन ओशियन क्या गति में है क्या, ये नहीं ना, स्थिर है ना, तो बोलो इनटू हुआ कि इन होगा, इन होगा ना, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा, अंग्रेजी को खेलना सीख जाओगे। अब यहां पे देखो और भी बहुत क्वेश्चन, हमने कहा माय सिस्टर इन लॉ, तो माई सिस्टर इन लॉ, माई के बाद नाउन चाहिए, हु लिव्स इन चेन्नई हैव कम टू स्टे विथ अस नोएरर, दे वंडर्ड हाउ मेनी विंडोज वर इन देयर रूम। अब यहां पे देखना यह है कि आपको समझना है कॉन्सेप्ट, हमने क्या कहा, ऑलवेज जब भी बनाए कॉमन एरर तो वॉचफुल रहें, अपनी आंखें खुली रखें और हर एक कॉन्सेप्ट पे दिमाग काम आपका करना चाहिए। हमने कहा है कि कॉमन एरर का सबसे आसान कॉन्सेप्ट, आसान कॉन्सेप्ट क्या है, चुटकियों में सॉल्व करें कॉमन एरर्स, कैसे भाई, माय सिस्टर इन लॉ, कोई गलती नहीं है, आगे बढ़ो, हु, अब हु का ध्यान देना, हु Who, which, that, जहां कहीं भी किसी सेंटेंस में दिख भर जाए तो ध्यान देना, इसके बाद जो वर्ब होगा ये जस्ट इसके पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, यानी पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा उसके अनुसार होगा। तो यहां देख लिया हु, हु का पड़ोसी बताओ सिस्टर इन लॉ है ना सिंगुलर, तो यहां पे लिप्स होगा, यहां पे लिप्स होगा, बिल्कुल सही सर, लिप्स दे दिया, इन चेन्नई, यहां तक बिल्कुल नो गलती। अब देखो आगे बढ़ा है, आखिर हैव प्लूरल है तो किसके लिए आया है, कौन है इसका सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट तो सिस्टर इन लॉ ही होगा ना, तो इसी के अनुसार होगा। तो अब बताओ कि हु बीज दैट का जो वर्ब, जहां भी वर्ब आएगा ये सब एक ही नाउन प्रोनाउन होगा ना, तो नाउन प्रोनाउन तो वही है, इसका मतलब कि हैव नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, हैज होगा। तो आपको ध्यान देना है कि यहां पे हैव ना होकर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैव गलत हो जाएगा। अब बोलो समझ में आया, एरर कैसे पकड़ते हैं, तो जब भी आपको मिले, तो जब भी पकड़ें, जब भी कोई वर्ब मिले तो देखो इसका सब्जेक्ट कहां है, जब भी कोई सब्जेक्ट मिले देखो इसका वर्ब कहां है, आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा। उन सारे बच्चों को शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है, जिनको कॉमन में पकड़ने में दिक्कत होता है। अगला देखो, दे वंडर्ड हाउ मेनी विंडोज वर इन देयर रूम, अब रूम यहां पे नाउन है, नाउन से पहले एडिटिव होता है, और देयर और दियर में क्या अंतर है, टी एच ई आर ई, मैं समझाता हूं आपको, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है। अब यहां समझिए कि देयर और दियर में क्या अंतर है, ये है देयर और यह दियर, यहां पे जो देयर है इसका काम होता है सब्जेक्ट का, यह मीनिंगलेस वर्ड होता है, जैसे देयर आर फोर बॉयज, देयर वॉज अ किंग, यह काम क्या करता है सब्जेक्ट का, इस देयर का मतलब वहां भी होता है ना, तो इस तरह से हम लोग इसको बात कर देते हैं, तो देयर का मतलब वहां भी होता है, देयर काम करता है सब्जेक्ट का, देयर वॉज नथिंग बट प्ले, इस तरह से बोलते हम लोग, और दियर का मतलब होता है उनके, यह है पजेसिव वर्ड है,
पजेसिव के बाद नाउन आना चाहिए। यहाँ रूम तुम्हारा नाउन है, इसके पहले देयर नहीं टी एच ई आई आर होना चाहिए था, उनके का प्रयोग होना चाहिए था टी एच ई आई आर दियर रूम, तब आपका सेंटेंस लॉजिकली सही होता, तब आप परफेक्ट सही करते, तब आप रियल वे में राइट करते। तो यहाँ पे देयर नहीं डियर। इस तरह से आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करो और सारे बच्चों को शेयर करो जिसके लिए मैं बनाया हूँ कि कॉमन एरर में जिनको कष्ट होता है, इसलिए हमने 10 क्वेश्चन देख करके एक एक को सॉल्व करना सिखाया है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीओ बैंक हर एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछ जाते हैं इस तरह के आधार पर। और इसको आप सॉल्व करके आप बार बार देखो, इसको 2-3 बार देखो, डाउनलोड करके रख लो और पूरे भारत में इसको हर बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं उनको सिखा दो। और आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।